FM पर इस सप्ताह 2 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक ऐसे राज्य को जानेंगे जो स्वर्ग से कम नहीं है। एक ऐसा राज्य जो अपने धार्मिक स्थलों के लिए प्रचलित है। एक ऐसा राज्य जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक है। एक ऐसा राज्य जो अपने आप में प्रकृति की देन है। सिक्किम। हमारे मेहमान आपको सिक्किम की सुंदरता, यहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। यहाँ के बर्फीले पहाड़, यहाँ के पारंपरिक धरोहर और कई अन्य रोचक बातों की जानकारी आपको देंगे। तो जरूर सुनिए दर्शन शनिवार 2 जुलाई 2022 को दोपहर के 2:15 से 3:15 बजे तक रेडियो मॉरिशस और ताल एफएम पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय एनबीसी, हाई कमीशन ऑफ इंडिया एंड LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इस पावर्ड बाय LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दर्शन प्रस्तुति डॉक्टर शशि दुकन। श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अपनी घड़ी मिलाए, इस समय हमारी घड़ी में दोपहर बाद के 2:16 हो रहे हैं। रेडियो मोशस और ताल FM की लहरों पर से कार्यक्रम दर्शन लिए हम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आप बेचैनी से करते हैं इस प्रोग्राम का इंतज़ार। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आज किस राज्य पर चर्चा करेंगे, भारत के बहुत ही खूबसूरत और हिमालय से जुड़े हुए जो ऐसा राज्य जो अपनी सुंदरता लिए हुए है, सिक्किम। सिक्किम पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके साथ के लिए जानकारी देने के लिए हमारे पास सिक्किम की ही सुचेता क्षेत्री रॉय जी हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं और इस प्रोग्राम में भाग लेंगी। साथ में रागिनी हैं, रागिनी अग्रवाल जी, जो हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल हैं और दोनों 17-18 सालों से 25 सालों से यहाँ पर हैं, और उनके अनुभव को भी हम जानेंगे सिक्किम से वो क्या लेकर आई हैं। लेकिन बताते चलें, आप लोगों की भी भागीदारी रहेगी। एक सवाल रहेगा और उस सवाल का जवाब जो पाएगा उसको LIC की तरफ से, जो हमारा प्रोग्राम प्रायोजित होता है हाई कमिश्नर और भारत के उच्चायोग और LIC की तरफ से, आपको एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा विजेता को मिलेगा। और अगर आप में से कोई श्रोता अगर इस राज्य में गया हो या सैर करने गया हो, घूमने गया हो या पढ़ाई की हो उस राज्य में किसी तरह से भी, या कोई उनका अपना अजीज मित्र रहता हो, तो अगर आप भी अपने अनुभव बांटना चाहते हो तो हमारा टेलीफोन नंबर वही है 4028095 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। हमें दूसरी तरफ आज सहायता दे रहे हैं दागन, और साथ में है सुमिता और विमल भी हैं, क्यों नहीं, तीनों हमारे साथ हैं जो हमारा साथ देते रहते हैं और हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं। साथ में हमारी सहयोगी जानकी भी रहेंगी, किरण जानकी, जो सिक्किम का और मॉरिशस का क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ से। आप लोगों को नमस्कार, और स्टूडियो में आप लोगों का तहे दिल से अभिवादन है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सिक्किम में नमस्ते को कैसे कहते हैं। सिक्किम को नमस्ते को नमस्कार ही कहते हैं, नमस्ते नमस्कार ऐसे करके संबोधित करते हैं हम सबको। जैसे अपने लैंग्वेज हम किसी को भी मिले हम हाथ जोड़ के नमस्ते ही करते हैं। तो जैसे अगर छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि आपको नमस्ते करो जाके, पास में जाके, तो वो हाथ जोड़ के आपके पास में जाके बो डाउन करते हैं। अच्छा। तो जैसे ढोगना, ढोगो, ढोगनू भी बोलते हैं। ढोगनू, हाँ, मतलब थोड़ा सा झुक कर, झुक विनम्रता का भाव जो होता है वो, हाँ, ढोगू, हाँ, ढोगनू। अच्छा, कैसे बोलेंगे ढोगू? हम बोलते हैं कि बाबू जाओ ढोगू, ढोगा शशि जिला ढोगा। देखिए शशि जिला का ढोगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और थोड़ा सा उस लैंग्वेज में मैं आप सबको बताएं। हाँ, जरूर। श्रोताहरु सबैलाई आजको दर्शन प्रोग्राम में स्वागत छ। तो मतलब आप सबका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। सो गुड। अच्छा, थोड़ा सा अब उसकी भौगोलिक दृष्टि पर हम थोड़ा सा उसके कि भारत का कौन सा राज्य है, कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से उसके बॉर्डर्स हैं, उसके ऊपर हम रागिनी से कुछ जाने या सुचेता से जाने? दोनों से जान सकते, दोनों से जान सकते हैं। चलिए आप शुरू भी कर सकते हैं। नमस्कार शशि जी, सब श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए।
तो सिक्किम के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है और सबसे कम आबादी वाला राज्य है। हाँ। पर सिक्किम जो है वो प्राकृतिक से प्रेम करने वालों के लिए स्वर्ग है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक राज्य है। और ये 2002 में सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स, जो 7 बहनें कहते हैं, उसकी अनुसूची में भी शामिल किया गया था। तो 7 बहनों के बारे में पहले भी मुझे पता है, चर्चा कर चुके हैं। हाँ जी। तो देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित जो सिक्किम है, उसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल है, और अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ, और उत्तर पूर्व में तिब्बत के साथ साझा करता है। तो इस तरह की इसकी भौगोलिक स्थिति है, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों और गहरी घाटियों, हाँ जी, और बायोडाइवर्सिटी के कारण जो घूमने वाले सैलानियों हैं उनके लिए ये बहुत ही एक पसंदीदा जगह है। और गैंगटॉक यहाँ की राजधानी है, जो कि 5,500 फीट की ऊंचाई पर शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। और गैंगटॉक जो है वहां से आप दुनिया का 3rd नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, नाम तो सबने सुना ही होगा, कंचनजंगा। कई लोग तो बल्कि कंचनजंगा जो वहां के लोग हैं उनको वो उसको एक पवित्र पर्वत भी मानते हैं, उसकी पूजा भी की जाती है। तो वहां का नजारा बहुत खूबसूरत क्लियर एकदम दिखा जा सकता है, इसीलिए उसका नाम ही कंचनजंगा। हाँ जी, कंचन, कंचन, सही बात है, बिल्कुल साफ, अपने आप में वेरी क्लीन। हाँ जी, बिल्कुल शुद्ध। तो राज्य का लगभग 30% हिस्सा यदि आप देखें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। और इसका कुल क्षेत्रफल यदि हम देखें तो 7,096 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। और मैंने आपको बताया कि पहाड़ी इलाका ज्यादातर है। कुछ आप जोड़ना चाहेंगी सुचेता जी? हाँ, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, गैंगटॉक इसकी राजधानी है। और ये जो सिक्किम है ये भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, जो कि गोवा फर्स्ट है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने सुना था। और ये जो सिक्किम है ये सेकेंड, हाँ, दूसरा है। तो एरिया वाइज अगर आप देखेंगे 27वें नंबर पे आता है ये। अच्छा, भारत के 27वां राज्य, हाँ, राज्य पे आता है। तो ये तो आपने बताया कि ज्यादा, तो चलिए वहाँ की थोड़ी सी भाषा के बारे में, जबकि बहुत ही समुचित लोग वहाँ पाए जाते हैं, और जितना क्योंकि भारत तो अपने आप में बहुत विशाल देश है, जिसमें 28 खुद ब खुद इतने राज्य हैं, जिनकी हम चर्चा दर्शन प्रोग्राम के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को जो है अपने प्रोग्राम दर्शन के माध्यम से करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। सिक्किम जब आपने बताया कि भारत का दूसरा छोटा राज्य है, तो वहाँ की भाषा क्या है? वहाँ की भाषा मेन है नेपाली, लोग नेपाली बोलते हैं। अच्छा, नेपाली। लेकिन इसके साथ भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश और नेपाली है। अच्छा। लेकिन लोग जो बहुभाषी हैं, जिसमें आपको लेपचा, लिंबू, मंगर, गुरुंग, शेरपा, तामंग, नेवारी भाषा बोलने वाले भी मिलेंगे, और कुछ बिहारी, बंगाली, कुछ प्रतिशत वो वाले भी मिलेंगे आपको। मारवाड़ी, हाँ, मेरवाड़ी, मिले जुले, सारे मिले जुले। स्वाभाविक है, जब ऐसे लोग हैं तो वहाँ हिंदी भी बोली जाती, हिंदी भी बोली जाती है। हाँ, थोड़े बहुत तो बोली जाती है। कॉमनली जैसे यहाँ पे हम क्रियोल यूज करते हैं, वहाँ पे नेपाली यूज की जाती है। उसका एक इतिहास। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो आपने स्वागत किया, अभिवादन किया, वो नेपाली में था। चलिए श्रोताओ, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है वो नेपाली। हाँ, नेपाली। कई सारे संप्रदाय के लोग हैं वहाँ पे, स्वाभाविक है। तो इसीलिए अलग अलग जिन राज्यों से जुड़ता है तो वहाँ का प्रभाव होना तो हो ही जाता है, इसीलिए इतना अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो। और जहाँ तक मैं कहती हूँ, मैंने समझती हूँ नेपाली को दर्जा भी दिया गया है राज्यभाषा की सूची, राज्यभाषा की सूची में। वो जो 20 अगस्त 1922 में भाषा मान्यता दिवस मनाया जाता है यहाँ पे, तो नेपाली भाषा को मान्यता प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, उनकी अनुसूची में उनको डाला गया है। So, वो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं एवरी ईयर 20th अगस्त को। अच्छा, 20 अगस्त, 20 अगस्त, अच्छा, जो नियरली 15 अगस्त के पास भी है, तो वो भी काउंट करता है बहुत। तो चले, ये तो हुआ कि वहाँ की भाषा और थोड़ी सी वहाँ की ज्योग्राफिकली कैसे जो है पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा राज्य जो अपने आप में एक स्वर्ग है। स्वर्ग है, बिल्कुल सही। एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगी शशि जी, वहाँ का प्रमुख पेड़ है जो कि रोडोडेंड्रोन बोलते हैं, जैसे रोडोडेंड्रोन, ये एक वुडी टाइप का झाड़ी की वैरायटी का पेड़ है, जो कि स्प्रिंग के महीने में, वसंत ऋतु के महीने में फूलता फलता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अलग अलग रंगों में, राष्ट्रीय फूल। तो जब वो वहाँ का राज्य का प्रमुख फूल जो है, और नहीं,
पेड़ है। हाँ। अच्छा। और प्रमुख फूल जो है वो नोबल डेंड्रोबियम पुष्प है, जो कि एक ऑर्किड का वैरायटी है। तो लाइट पिंक से लेके पर्पल तक के अलग अलग ऑर्किड की वैरायटी में वो होते हैं। मैं एक और जोड़ना चाहूंगी, वहाँ पे 5000 स्पीसीज ऑफ आपको ऑर्किड्स मिलेंगे, जो कहीं नहीं मिलेगा वहाँ पे। और सॉरी, हाँ, 5000 स्पीसीज ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स, 515 सॉरी, आई एम सॉरी, 515 वैरायटीज ऑफ ऑर्किड्स हैं। और जो पंछियां एंड ऑल बर्ड्स हैं वहाँ पे 5000 स्पीसीज मिलेंगे आपको। बहुत सारी पक्षियों की जो है जातियां जो है वहाँ पर पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से बहुत फ्लोरा फौना अलग फ्लोरा एंड फौना। तो देखा आपने श्रोताओं, किस तरह से पक्षियों की विभिन्न जातियां पाई जानी और फूलों की विभिन्न, खैर मॉरिशस में भी ऑर्किड की बहुत सी स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, और यहाँ पर इसका कंपटीशन भी चलता है, चलता है, खासतौर पर काठरबोन में मैंने देखा है खूब चलता है। लोग बहुत फूलों से प्यार करते हैं, क्यों ना हो भी, फूल अपने आप में लोगों को आकर्षित करते हैं, सुगंधित करते हैं, तो नेचुरली ये तो होता ही है। तो चलें, ये तो हमने बताया भाषा के बारे में, फिर थोड़ा सा वहाँ के नज़ारों के बारे में, कि जिस तरह के रागिनी ने बताया कि किस तरह हिमालयों से घिरा हुआ, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ, तो जब वहाँ पर ठंडी और गर्मी मौसम के क्या सिचुएशंस रहती हैं, स्थितियाँ? विंटर आपके वहाँ ठंडी जो है, इट गोज बिलो माइनस डिग्री ड्यूरिंग विंटर। अच्छा, इसका मतलब बर्फ खूब जोरदार पड़ती है, लेकिन शून्य से नीचे। आप अगर बर्फ देखना चाहते हो, एनी टाइम यू कैन गो टू सिक्किम, आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। अच्छा। गर्मी 28 डिग्री से ज्यादा नहीं होती वहाँ पे। बहुत सुंदर मौसम है फिर तो, एनी टाइम आप जा सकते हैं। गर्मियों का मौसम मेरे ख्याल से सही मौसम है वहाँ जाने के लिए। रेनी सीजन में नहीं जाना चाहिए, लैंडस्लाइड्स एंड ऑल का थोड़ा बहुत रहता है, बट अदरवाइज। अच्छा, तो इसका मतलब एक क्या कहते हैं, हिल स्टेशन जो है ज्यादा है। और आपने कहा 28 तो कुछ भी नहीं है, एंड इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्लेजेंट वेदर। हाँ, बहुत प्लेजेंट वेदर है। तो ये तो हुआ वहाँ के थोड़े से जनरली वहाँ की भाषा, थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि वगैरह वगैरह। क्यों ना हम उसके सांस्कृतिक पक्ष पर, थोड़ा उसके ट्रेडिशन, उसके जो है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें। इससे पहले शशि जी, अगर आप चाहेंगे तो मैं सुचिता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग इतिहास है। ओह, दैट्स, उसके बारे में बात करें। चलिए, इतिहास इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 17वीं शताब्दी में नामग्याल वंश के सिल्क स्टेट पर सिक्किम राज्य का स्थापना की थी। उस समय इस राज्य पे छोंगाल नाम का राजा उन सिक्किम पे शासन करते थे। पीढ़ियों तक इनका, 12वीं पीढ़ियों तक इनका शासन चला। सिक्किम चारों तरफ से पड़ोसी देशों से घिरे रहने के वजह से सिक्किम पर कई हमले भी हुए हैं। तो एक समय ऐसा भी था कि नेपाल अपना राज्य एक्सपैंड कर रहा था। पृथ्वीराज नारायण शाह के बेटे ने सिक्किम के कई कुछ हिस्सों पर उन्होंने अपने अधीन में लिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर सिक्किम के तालुकात बहुत अच्छे थे, इसीलिए उनके साथ एज अ संरक्षक यानी प्रोटेक्टरेट बन के उन्होंने उनकी हेल्प की, सिक्किम की हेल्प की, जिसमें उन्होंने कई हद तक नेपाल को पीछे खदेड़ दिया था। एंड नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जब वो दैट इज नोन एज सोगाली ट्रीटी, जिसके तहत सिक्किम को दार्जिलिंग और कालिंपोंग मिला। आज दार्जिलिंग एंड कालिंपोंग इज द पार्ट ऑफ बंगाल राइट नाउ। उसकी भी एक छोटी सी वो है, मैं आपको बताऊंगी। एक और इसके साथ नेपाल के गोरखा को की सेना को अपने उसमें क्या कहते हैं, बर्तानियों जो से बर्तानी सेना में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अच्छा। लेकिन अंग्रेजों के साथ इनकी दोस्ती ज्यादा नहीं चली। अच्छा। सिक्किम की तो इन्होंने कर चालू करवा दिया, टैक्स चालू करवाने के वजह से उनके तालुकात बिगड़ गए। सो इसको ना चुकाने के वजह से सिक्किम को कालिंपोंग और दार्जिलिंग जो है वो खोना पड़ा, एज अ टैक्स उनको देना पड़ा। और सिक्किम ब्रिटिश सरकार को वहां पे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट खोलना था, इसीलिए उन्होंने सिक्किम से वो लिया भी। तो फिर लेकिन फिर भी भारत की आजादी के बाद भी सिक्किम के संरक्षण यानी प्रोटेक्टरेट बन के 1962 तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो सिक्किम वॉज वन ऑफ द, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर
1962 में भारत को एहसास हुआ कि हम प्रोटेक्टरेट संरक्षण नहीं दे सकते इनको, केवल इतना ही बन के नहीं रह सकते, नहीं रह सकते. दिस इज अ वेरी इंट्रीगल पार्ट फॉर आवर कंट्री. सो अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए सिक्किम को अपने साथ मिलाना बहुत जरूरी हो गया. तो इंदिरा गांधी जी के अंतराल के समय के दौरान सन 1975 में बहुमत के साथ इसको सिक्किम को का राजतंत्र को खत्म किया गया और जनमत के आधार में इसे भारत में शामिल किया गया. हाँ. तो उसके बाद ये भारत का 22वां राज्य बना. तो एक चीज जो काफी दिलचस्प है वो ये है कि वहाँ वो सिक्किम जो है वहाँ पे प्रति वर्ग आय जो है सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है. प्रति वर्ग आय पर कैपिटा इनकम जैसे बोलते हैं. इनफैक्ट एजुकेशन में भी काफी आगे है. तो वो है जब छोटा एक राज्य होता है तो उसकी हर चीज बड़ी सुचारू रूप से जो है व्यवस्थित की जा सकती है, आयोजित की जा सकती है. और ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है सिक्किम के लिए छोटे होने के नाते, उसकी अपनी विशेषता कि वहाँ साक्षरता बहुत कम है और जितने लोग हैं वहाँ शिक्षित लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग हैं. और ये अपने आप में किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा विकास करने का एक जरिया होता है. तो ये तो था हमारा इतिहास जो काफी इंटरेस्टिंग है. बाकी जैसे आपने बताया कि किस तरह से अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ एक लंबा जो है एक सफर जो है सिक्किम ने तय किया और आखिरकार वो जो है भारत के राज्यों में जुड़ पाया. तो भारत का 22वां राज्य जो है वो बन पाया. तो ये तो बहुत अच्छी समझती हूँ कि आज राज्य जो है समृद्धशाली अपना राज्य है सिक्किम. और उसकी अपना एक अपनी पहचान है एक भारत के साथ जुड़कर भी. और ये तो था हमारा. तो श्रोताओ, हम जो है रेडियो मॉरिशस और ताल एफएम की लहरों पर आज सिक्किम राज्य की चर्चा कर रहे हैं. और सिक्किम राज्य की चर्चा के लिए साथ हमारे साथ सुचेता छेत्री रॉय हैं और रागिनी अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने कुछ भौगोलिक, कुछ इतिहास और फिर कुछ भाषा वहाँ की. अब हम सांस्कृतिक पक्ष की चर्चा करने वाले थे, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ की परंपराएं, जैसे कुछ नेपाल से उनका काफी लेन देन है. हाँ, तो उसके ऊपर क्या नजर आप डालेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मूलतः सिक्किम में तीन प्रकार के लोग, हाँ, जाति के लोग रहते हैं. यदि आप देखें तो 57% तो नेपाली हैं. अच्छा. जो एक समय में नेपाल से माइग्रेट करके सिक्किम में आए. इसके अलावा वहाँ पे लेपचा हैं जो 20%. हाँ, लेपचा जाति, जो वहाँ के मूल निवासी तो लेपचा ही हैं. लेपचा, हाँ, जो माइग्रेट नहीं, जो वहाँ के मूल निवासी वो लेपचा है. और वहाँ पे तिब्बतियन जो भूटिया लोग होते हैं वो हैं. अच्छा. तो क्योंकि ये अलग अलग तरह के अलग अलग प्रदेशों के लोग वहाँ आके रहते हैं तो अलग अलग प्रकार का वहाँ की संस्कृति भी है. काफी, हाँ, स्वाभाविक है क्योंकि अलग अलग तरह जगह से अपनी अपनी संस्कृति को साथ समेट कर वो सिक्किम को आज अपनी पहचान बताते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. तो सिक्किम में के जो लोग हैं बहुत ही सीधे साधे मिलनसार लोग हैं और जिंदगी को मजे से जीने वाले लोग हैं. हर चीज में अपना मजा लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में. और संस्कृति में बहुत विविधता है, जैसे कि मैंने आपको बताया. अलग अलग तिब्बत है, नेपाल है, फिर वहाँ के मूल निवासियों की अपनी पहचान है. बिल्कुल. तो जो आपके धर्म भी है, हिंदू धर्म है वहाँ पे, इसके अलावा बौद्ध धर्म है, इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी धर्म के लोग हैं, हाँ जी, धर्म के लोग हैं. तो इन सारे धर्मों की संस्कृति, इन सारे धर्मों के जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं. हाँ, वो सब रिफ्लेक्ट करते हैं और वो सब सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे सबको. किस तरह के पर्व वहाँ मनाए जाते हैं सुचिता? पर्व वहाँ पे दशई, यानी कि दशहरा, यहाँ पे हम दशहरा बोलते हैं. दिवाली को बोलते हैं त्यार. और भाई दूज जो कहते हैं उसको भाई टीका बोलते हैं. और जो भुटनीज लोग या अन्य जाति वाले जो है वो लोसर मनाते हैं. लोसर क्या है? लोसर इज अ फेस्टिवल फॉर उनका न्यू ईयर का एक पर्व है. वो
वो इनकी प्रमुख त्योहार है यहाँ के। ये ग्रैंड वे से सबसे बहुत बड़े भव्य रूप से वो लोग मनाते हैं, मनाया जाता है। सो कुछ तो जैसे न्यू ईयर है तो वहाँ का न्यू ईयर, जैसे हमारा न्यू ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से, ऐसे ही वहाँ या कुछ और दिन होता है? नहीं, वो न्यू ईयर उनका वो मार्च महीने में जो लोसर बनाते हैं ना, वो जैसे लोहड़ी, जो बौद्ध धर्म के लोग चंद्र कैलेंडर के हिसाब से, उनका न्यू ईयर मनाया जाता है। लोसर का थोड़ा ऐड करूंगी, फिर चाहूंगी कि वो भी सुचेता जी बताएं दशहरा और दिवाली कैसे मनाते हैं, क्योंकि अलग तरीके से मनाते हैं। यही बताने वाली बात है, इसीलिए देखो दशहरा दिवाली तो एक जैसे सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन हर कोई अपनी संस्कृति के परंपराओं को लिए अपने अलग अलग ढंग से उसमें कुछ ना कुछ विशेषता जो है वो जोड़ता है, और इसीलिए उसकी अलग अलग पहचान होती है राज्यों के हिसाब से। तो लोसर के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि जैसे सुचेता जी ने बताया कि लोसर जो है बौद्ध चंद्र कैलेंडर के अनुसार साल के पहले दिन होता है और ये 15 दिन तक मनाया जाता है, पर आजकल का नया जमाना है तो जाहिर सी बात है 3 दिन तक मैक्सिमम लोग मनाते हैं इसे। तो इसमें शुरुआत के दिन में क्या होता है कि ये इसकी शुरुआत कैसे होती है, मठों, स्तूपों और धार्मिक स्थानों और आवासीय स्थानों को चारों तरफ से रोशनी से घेर के उसे सजाया जाता है। और इसमें लोग जो है अपने सगे संबंधियों को खास उपहार देते हैं, नए साल में नए जीवन, अपने जीवन की अच्छे शुभ जीवन की कामना करते हैं। और एक चीज जो यहाँ बनाई जाती है पहले दिन, जिसे बोलते हैं, जो यहाँ का लोकल पेय है, लोकल ड्रिंक बोलते हैं, बेवरेज, इसे बोलते हैं चांकोल। चांकोल, हाँ जी। और चांकोल जो है ये एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो कि राइस, चावल जौ या बाजरे के साथ बनाया जाता है। उसको भिगोकर, हाँ जी, इसको भिगोकर फिर उसको फर्मेंट करा जाता है और उसके बाद उसको बनाया जाता है। एक पेय है वहाँ, पेय पदार्थ है। और दूसरे दिन जो है उसे लोसर में किंग्स लोसार या गैल्पो लोसार कहते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये जो त्योहार है जो ज्यादातर ये बौद्ध धर्म जो लोग फॉलो करते हैं, बौद्ध, हाँ, ये वो लोग मनाते हैं। पर जैसे सुचेता जी ने बताया दिवाली और दशहरा जो है वहाँ के नेपाली जो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं वो मनाते हैं। जो आप बताएंगे आप कैसे सुचेता? दशहरे को सिक्किम में दसई कहते हैं, दसई, और जो 10वां दिन है उसको विजयदशमी। इस त्योहार में हर कोई नए वस्त्र पहन के अपने घर में अपने बड़ों से हम आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद के तौर पे बड़ा यूनिक वे से है, वो टीका बनाते हैं, जो जैसे या चावल का टीका बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा दही और कलर, रेड कलर डाल के हम जब टीका लगा के आशीर्वाद देते थे हमारे बड़े, यहाँ से शुरू होके फोरहेड पूरा भर जाता है, और एक कोने से पूरा माथा भर जाता है। वो दैट फेस्टिवल इज लाइक ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन। सो जो मनाते हैं लड़कों को जब वो आशीर्वाद देते हैं, आयु द्रोण सुते ये बोलते हैं, वो आयु द्रोण सुते जो आपका स्रोत है वो बोलते हुए लगाते हैं, इंक्लूडिंग आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद देते हैं कि तुम लंबी उम्र रहो, दीर्घायु रहो, ये सब बोल के स्टडी वेल, ये तो सभी बोलते ही हैं, तो ये बोलते हुए वो आशीर्वाद देते हैं, दक्षिणा मिलता है, बच्चे तो बहुत खुशी होते हैं, उस दक्षिणा के बच्चे इंतजार करते हैं, हम बहुत वेट करते थे। और बेटियों को भी लगाते हैं, घर के सबको लगाते हैं, मतलब अपने घर के जो बुजुर्ग है, जैसे यहाँ पे हम लोग दशहरे में वो जम नहीं उगाते हैं, हम लोग तो जमारा कहते हैं, वो दैट इज मीन, वो सर पे आशीर्वाद या कानों में लगाते हैं, हाथ में देते हैं आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में देते हैं, वो हम दशहरा ऐसे मनाते हैं, वो रामनवमी के समय जो है मनाया ही जाता है, आपका घर भरा रहे, वो उसी चीज का प्रतीक है, आपका घर भरा रहे। दशहरा मनाते हैं ऐसे पूर्णिमा तक चलता है। और दूसरा फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली तो हर कोई मनाता ही है सेम वे से, लेकिन हमारे वहाँ पे बहुत मैरीगोल्ड जो गेंदे के फूल है उससे घर सजाया जाता है। और दिवाली के दिन लड़कियाँ स्पेशली हम भैलो खेलने जाते हैं। इट्स अ ट्रेडिशनल खेल, ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, लोकगीत, हाँ लोकगीत जैसे। अच्छा, उसमें भाग लेने के लिए, उसमें भाग ले, कहाँ लिया जाता है? नहीं, वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स अपना फ्रेंड्स लोगों के साथ तय करते हैं और घर घर में जाके वो लोग गाना गाते हैं। तो उनको अच्छा। भी दक्षिणा दे के उनको उनका आना बहुत शुभ मानते हैं हम लोग। अच्छा। जैसे हैलोवीन में बच्चे जैसे, हाँ उनका आना बहुत शुभ, हमारे यहाँ लोहड़ी में जाते हैं बच्चे, और फिर लड़के नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं ढेवसी खेलना। अच्छा, वो लोग ढेवसी खेलते हैं लड़के लोग, और लड़कियाँ भैलो नहीं खेलते। लड़कियों के
के लिए एक दिन है, लड़के पूर्णिमा तक खेलते हैं। अच्छा, तो ये मतलब वो घर घर जाकर हाँ, वो भी गाते हैं? हाँ गाते हैं, आजकल तो ट्रेडिशन के साथ सब कुछ चेंज हो गया, म्यूजिक लेके जाते हैं, गाने चेंज हो गए, पहले जैसे गाना बजाना पूरा ग्रैंड वे से होता है आजकल, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरे पापा तो बुला बुला के लेके आते हैं आजकल, जैसे सुचिता जी ने बोला उसको शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है, चाइनीज न्यू ईयर में यहाँ पे बुलाते हैं ना वैसे। हाँ, जैसे वो आपके जो है ड्रैगन ड्रैगन नृत्य जो करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, लोसर में भी ड्रैगन डांस होता है। हाँ, तो स्वाभाविक है कि आपने कहा नेपाली थोड़ी सी छाप है वहाँ, तिब्बती छाप है, और ये ड्रैगन डांस उनके लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ड्रैगन डांस लोसर में मनाया जाता है, जो टिबेटन कम्युनिटी के लोग हाँ, जो हैं हाँ, वो लोग मनाते हैं। जब नृत्य की हम बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये मुखौटा नृत्य किया जाता है। हाँ, मुखौटा नृत्य, मुखौटा लगाकर। तो ये तो हमारे सांस्कृतिक, और इसके अलावा और कौन से पर्व मनाए जाते हैं, और कोई कोई विवाह के रूप में या कुछ ऐसा नहीं? दिवाली, तो, दशहरा, बाकी सारे त्योहार तो जो होते हैं वो मनाते हैं। तो चले, जहाँ इन्होंने संगीत की बात कही तो वहाँ संगीत, वहाँ का संगीत जो है, नृत्य संगीत लोकगीत जो है, वहाँ की परंपरा क्या है? तो मिलीजुली, अच्छा, मिली जुली परंपरा है। तो एक जो आपको काफी बात बताना चाहूंगी कि एक तो वहाँ पे नृत्य जो है जो काफी फेमस है, जिसे मुखौटा नृत्य कहते हैं, छाम नृत्य, अच्छा, लामा नृत्य। हाँ, तो ये जो नृत्य है ये वहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, जो सुचित्र जी ने बताया, मुखौटा पहन के, ड्रैगन का, अलग अलग किस्म का पहन के, और ये नृत्य त्योहारों के दौरान मठ में किया जाता है, गोम्पा मठ में किया जाता है, वो करते भी है लामा, गुम्बा मठ किया जाता है। और इसमें ये अलग अलग तरह के मुखौटे पहन के और कॉस्ट्यूम्स पहन के डांस करते हैं, उनके पैरों की हलचल जो है वो देखने लायक होती है, काफी सुंदर ये नृत्य है, और विशेष अवसरों पे किया जाता है। एक नृत्य और जिसके बारे में बात करूंगी वो है याक नृत्य। अच्छा, तो याक तो आपको पता ही है, सिक्किम में याक जो है उसके उत्तरी भागों में पाया जाता है, और वहाँ की एक प्रदर्शन करने के लिए वहाँ की एक लोकप्रिय वस्तुओं में भी है कि भाई याक को बहुत दिखाते हैं। हाँ जी, याक को दिखाते हैं। तो ये नृत्य जो है ये प्रकृति का प्रदर्शन करने के लिए होता है, और लोग, दो लोग खुद को याक बनकर तैयार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चाइनीज में ड्रैगन डांस में दो लोग आपने देखे हैं, वैसे ही एक पीछे का एक आगे का मुंह का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा पकड़ता है और एक आगे का हिस्सा। हाँ जी, वैसे याक बन के ये लोग इस डांस को करते हैं, तो उसी वेशभूषा में ढल के डांस करते हैं। आप सुचिता जी कुछ बताना चाहेंगी नृत्य के बारे में, लोकगीत नृत्य वहाँ का? हाँ, यहाँ पे सिक्किम में कुछ अन्य लोक नृत्य जैसे संगिनी, अच्छा, तामंग सेलो, गौनी शब्दों और संगिनी चाम जैसे नृत्य भी होते हैं। नेपाली समुदाय के लोग मारुनी नृत्य करते हैं, और लेपचा समुदाय वाले लोग जोमल लोक करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशन के लोगों का अलग अलग लोकगीतों की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। तो चले, क्यों ना हम एक गीत सुन लें जो सिक्किम की जातियों में से एक किसी जाति का है, आप ही बताएंगे, हम श्रोताओं को सुनाएंगे, फिर उसके बारे में आप हमको बताएंगे कि कहाँ कहाँ है, कौन उसको गाता है, किस स्थिति में या किस समय में वो गाया जाता है। हम सुमिता से अनुरोध करेंगे कि एक गीत जो है हम अपने श्रोताओं के लिए लगा दें, उसके बाद अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। ना चिंता, ना फिकर, ना है डर, ये वादा है हमारा हरदम हरदम हर कदम। धूप छाँव में भी हम साथ साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। जीवन के हर पल में पास पास हैं, पास हैं, पास हैं। हर दिल की है हम धड़कन, है किरण, है रोशन। ना चिंता, ना फिकर, ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। धन यहाँ आग नहीं भरी, सांपा गुरासा सुना खरी। धन यहाँ आग नहीं
सरी सुंदर देश को हम लोग प्यारो प्यारो जन्मभूमि बक्सा तिस्तारंगी जहां कंचनजंघासी बतास ले बुक्सा यहां तथागत का अमर बण श्रद्धा भक्ति गर्छौं सधैं माटो कफुला जहाँ बक्सा तिस्ता रंगी जहाँ कंचनजंघा असी जहाँ बक्सा तिस्ता रंगी जहाँ कंचन जंघा असी जहाँ बक्सा तिस्तारंगी जहाँ कंचन जंघा असी शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं दो बजकर 47 मिनट बहुत ही प्यारा आपका राज्य गीत जो है वो बजा। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि उसमें संस्कृत के शब्दों का और जो मूल मंत्र बुद्धिस्ट लोगों का होता है बुद्धम शरणम गच्छामी धर्मम शरणम गच्छामी जो है वो हमने हमें सुनाई दिया। तो ये वहाँ का जो है राज्य का राष्ट्र गान है राज्य का स्टेट का स्टेट का ये हुआ। हाँ जो हम चर्चा कर रहे थे संगीत में कितनी मधुरता होती है चाहे भाषा कोई समझ में आए ना आए। हाँ संगीत जो है अपने आप सब बैरियर्स को तोड़ देता है और उसकी भाषा नहीं है अपनी। तो हम चर्चा कर रहे थे गीतों की लोकगीतों की जो आप वहाँ के जो नृत्य हैं कैसे जो है गीतों के साथ संजोए हुए हैं कितने। तो मैं आप जैसे सुचेता जी ने बताया मारुनी नृत्य जो वहाँ की नेपाली कम्युनिटी करती है नेपाली लोगों का सबसे पुराना नृत्य है और इसी ज्यादातर त्यौहार फेस्टिवल जो त्यौहार है दीपावली के उत्सव पे नेपाली स्त्रियाँ बहुत ही रंगीन कपड़े पहन के और एक बहुत ही मनमोहक गहने पहन के करती हैं। और ये जो नृत्य है अच्छाई का की बुराई पे जीत का प्रतीक है उसको उसको मनाने के लिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी इसे इसको नौमती बाजे के साथ नौमती बाजा यानी नौमती यानी नौ बाजों के साथ का ऑर्केस्ट्रा उसके साथ किया जाता है। ये नौमती बाजा ये बहुत चीजों में यूज होता है बहुत सारे ओकेजन्स में भी यूज होते हैं जैसे शादियों में भी यूज होते हैं ये बाजा का नौ इंस्ट्रूमेंट उनका बाजा शहनाई टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये। अभी रागिनी जी बताया कि इस नृत्य को करने के लिए रंग बिरंगे बहुत कलरफुल जो कपड़े पहने जाते हैं तो थोड़ा वहाँ के पहनावे वहाँ की थोड़ी वेशभूषा के बारे में हम आपसे जाने सुचेता कि किस तरह के पहनावा जो है वहाँ ट्रेडिशनल वहाँ का होता है।
आजकल तो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स बहुत कम ही पहनते हैं लोग, तो लेकिन जो ट्रेडिशनल वाले जब होते हैं तब जो नेपाली वाले जो पहनते हैं दौरा सुराल, इट्स काइंड ऑफ कुर्ती, कुर्ती पैजामा मेल लोग जो हैं, हाँ, वो पहनते हैं पुरुष लोग, ऊपर से ऑस्कोट, और महिलाएं पहनती हैं गुन्यू चोलो ब्लाउज, चोलो मतलब ब्लाउज, वो पहनती है। और लेपचा पुरुष पारंपरिक वेशभूषा थोकरो धाम है, जिससे एक सफेद पजामा पहना जाता है, और एक लेपचा शर्ट शोम्बे टोपी वो शामिल है। पुरुष पोशाक की बनावटी खुरदरी और लंबे समय तक चलने वाली होती है। अच्छा। और भुटिया नर की पारंपरिक वेशभूषा खो, खो और लेडीज लोग भी पहनती है बखू, हाँ जी बखू पहनती है, और जिसके बखू के नाम से ही जाना जाता है। सुचिता, आपके पास कोई सिक्किम की ड्रेस है? हाँ जी है, मैं पहन वाली थी। हाँ जी। अच्छा, चले हमारे श्रोता जरूर देखते अगर आप पहनकर आती तो, क्योंकि हमारा बता दें हमारा ये आज का जो प्रोग्राम होता है वो हमारे फेस पेज पर जो लाइव चलता है, और वैसे भी www.mbcradio.tv पर भी हम इसका लिंक भेजते हैं अपने श्रोताओं को, जो नहीं भी सुन पाते हैं बाद में भी इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और चलें, जब श्रोताओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं तो एक सवाल की बारी आती है, हम श्रोताओं के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। मॉरिशस में फुटबॉल का बहुत बोलबाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेमी है, बिल्कुल फुटबॉल प्रेमी बहुत हैं। हम आज उसी से जुड़ा हुआ सवाल जो कि सिक्किम के साथ जुड़ता है, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं वहाँ के हैं, उनका नाम आपको बताना है जो सिक्किम के हैं, सिक्किम के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल प्लेयर वहां के हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, यहां तक कि उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली उनको लोग जानते हैं, उनका नाम जो है हम आपसे जानना चाहेंगे। और हमारा टेलीफोन नंबर वही है 4028095 पर आप हमें संपर्क करें, आपके सवाल का हम इंतज़ार करेंगे कि सिक्किम का वो कौन सा खिलाड़ी है इसका नाम जो कि फुटबॉल में अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को पाए हुए हैं, को लिए हुए हैं। चलें, ये तो हुआ, हम पहनावे की बात कर रहे थे, तो आपके पास खूबसूरत रंग बिरंगा सिक्किम का, जैसे अभी राजनी ने बताया मेरे पास ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स है, जैसे हम लोग सिरबिंदी लगाते हैं, वहाँ के ट्रेडिशनल टिक्का जिसे हमारे कहते हैं मांग टिक्का जैसी होती है, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े इयर रिंग्स जो पहने वो मैंने रखा है, कभी ट्रेडिशनली यूज करना हो तो वो है मेरे पास। आज आपको तैयार होकर आना चाहिए था उसमें, सिक्किम की रहने वाली है क्योंकि सबसे एक अलग झलक वहाँ की है जो ये गुन्यू चोलो मेरे पास है। अच्छा, गुन्यू चोलो जो हम पहनते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? ऊपर चोली जैसा, आपने बोला चोली जैसा, वो अलग बनावटी का उसका डिजाइन रहता है, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल, पूरी बाजू का ऊपर तक गले तक का उसकी बनावटी बड़ी अलग होती है, नॉट लाइक नॉर्मल ब्लाउज। अच्छा, और जो साड़ी जो होती है उनके ढाका साड़ी बोलते हैं, नॉट फ्रॉम ढाका बट प्रिंट का नाम है ढाका साड़ी। अच्छा, गुन्यू चोलो ढाका साड़ी, वो नीचे उसको स्कर्ट के जैसे पहनते हैं। हाँ, तो वो 6 गज की होती है, 5.5 गज की ही। हाँ जी। अच्छा, उसको लपेट, मतलब इंडियन स्टाइल से साड़ी सेम वैसे पहना जाता है, बस ऊपर से आंचल नहीं पहना जाता है। अच्छा, सिर्फ वो नीचे तक ही लपेट, स्कर्ट की तरह ही पूरा ही लपेटता जाता, प्लीट्स भी देते हैं, उसी में लपेट कर खत्म करते हैं, और ऊपर जो है पूरा ब्लाउज होता है, ब्लाउज। एक चीज जो जोड़ना चाहूंगी कि एक पचौरी नाम का एक रंगीन कपड़ा जो है, उसका टुकड़ा जो वहाँ लेडीज नेपाली स्त्रियां पहनती हैं, वो सर से लेके कमर तक पहनती हैं, और उसको जब वो नृत्य करती हैं तो उसका इस्तेमाल करती हैं सजावट के रूप में। मतलब हाथ में लेकर उसको लहराती हैं, नृत्य में उसका इस्तेमाल होता है, तो उसको पचौरी कहते हैं, पचौरी। अच्छा, तो पुरुष के लिए जैसे आपने बताया कि कुर्ता है, फिर ऊपर से जैकेट है, टोपी है, और पजामा नीचे, तो अक्सर जो है जितने भी ठंडे इलाके होते हैं वहां पर ये देखा गया है कि कुर्ता पजामा और बड़ा सा कोई टोपी में एक सिंबल होता है, कोई लगाते खुकुरी। वहाँ की वो वहाँ का खुकुरी जो है, हमारे हिंदी में
खुकरी बोलते हैं, खुकरी बोलते हैं, हाँ खुकरी, खुकरी बोलते हैं, वो उनका एक शस्त्र, सिंबल, एक सिंबल जैसा शस्त्र है जो उनके कई गोरखाओं के टोपी में दिखाई देता है, जरूर देखेंगे आप, हाँ देखा जाता है, दो ऐसे क्रॉस करके और बड़े हाथ में जो लेने वाला होता है खुकरी, खुकरी खुकरी। तो चलिए श्रोताओं के लिए सवाल हम फिर दोहरा देते हैं, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जो कि सिक्किम में पाए जाते हैं, सिक्किम से हैं और उन्होंने फुटबॉल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाई है। चले एक श्रोता लाइन पर आगे, और वैसे भी आप जानते ही हैं कि मॉरिशस में फुटबॉल प्रेमी कितने हैं, हमको शायद दिक्कत नहीं होगी जानने के लिए। हेलो हेलो वेद बोल, हेलो वेद प्रकाश बोल, हेलो प्रश्न जवाब शशि जी, यू है सुनो, हमारे श्रोता लाइन पर है, हेलो गुड, यस अच्छा, हेलो हेलो वेद बोल शशि, शशि जी नहीं नहीं लाइन प्रॉब्लम, हेलो हेलो वेद, वेद बोल बुबासन रहते हैं, हाँ कौन बोल रहे हैं, वेद वेद कहाँ से बोल रहे हैं, वेद बुबासा रहते हैं, अच्छा बुबासा में रहने वाले हैं, अच्छा बताएं उस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का नाम जो सिक्किम से है और उन्होंने ओके हाँ ओकेश्वर दास, ओकेश्वर दास दास, अच्छा हमने आपका जवाब नोट किया वेद जी, चलें हम अच्छा प्रोग्राम में बताएंगे बाद में कि आपका जवाब सही है या नहीं। चलें और श्रोताओं से हम बताएं जानना चाहेंगे, और श्रोताओं को भी हम जो है सुनना चाहेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं। हमने सवाल रखा है सिक्किम के वो उस अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताएं जो सिक्किम से हैं और फुटबॉल प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। एक और श्रोता, हेलो 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 जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, सुनील दत्त जिलन, सुनील दत्त जिलन, सुनील दत्त जी कहाँ से बोल रहे हैं, काठबोन से, काठबोन से, हाँ सुनील दत्त जी बताएं क्या जवाब देंगे, मेरा जवाब है भाईचुंग भुटिया। चले आपका जवाब भी नोट किया और हम दर्ज करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम के अंत तक कौन हमें सही जवाब देते हैं, तो हम आपका भी इंतजार करेंगे। अच्छा श्रोताओं, जिस तरह की हमने कहा कि हमारे जो पहनावा था वहाँ का बहुत ही अपने आप में रंग रंगीला और बहुत ही आकर्षित जो है पहनावा वहाँ का है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, और हम पहनावे में कुछ और जोड़ना चाहती है नहीं, तो हम चले वहाँ की कुछ महान हस्तियों के बारे में चर्चा करें, कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज जो हैं। एक और श्रोता, हम अपने श्रोताओं को एक बार सवाल फिर से याद दिला दें कि सिक्किम से सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने वाले फुटबॉल प्लेयर का नाम जो कि सिक्किम के रहने वाले हैं और फुटबॉल के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया है, उनका नाम आप हमें बताएं, हमें आपके जवाब का इंतज़ार है 4028095 पर। और अभी के लिए हम वहाँ की ग्रेट पर्सनालिटीज़, वहाँ की महान हस्तियों का नाम जरा अपने दो जो मेहमान आए हैं उनसे जानेंगे जिन्होंने उस राज्य को अपना सहयोग अपना योगदान देकर वहाँ को समृद्धशाली बनाया है। किस क्षेत्र के वो महान हस्तियाँ हैं, सिक्किम के हैं, हाँ जो अच्छा वहाँ की ग्रेट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। अच्छा वहाँ के दो बड़े प्रसिद्ध हैं, हाँ। एक है भाईचुंग भुटिया और दूसरे है डेनी डेनजोंगपा जिसको सभी जानते हैं, हाँ, सभी जानते हैं। अच्छा और आप किसी को जानती हैं रागिनी? देखिए यही दो मेन हैं, अच्छा जो एक सिनेमा के क्षेत्र से हैं और एक फुटबॉल के क्षेत्र से हैं। तो हम अपने श्रोताओं का इंतजार करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या जवाब वो हमें देंगे। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं किरण जानकी की ओर, जो हमारी जो शोधकर्ता हैं, जो हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं, शोध कर कर हमें बताती हैं कि किस तरह से जो है मॉरिशस और सिक्किम की जानकारी के बारे में वो क्या आज देंगी, उनसे चले सुनते हैं। नमस्कार,
सिक्किम भारत के सबसे छोटे और सबसे सुंदर और हरे राज्यों में से एक है। मॉरिशस की तरह सिक्किम के अधिकांश लोग 75% लोग हिंदू हैं। इनका ओरिजिन नेपाल से है और यही कारण है कि इनकी ओरिजिनल भाषा नेपालीज है। जिस तरह मॉरिशस में बहुभाषीयता है, सिक्किम में भाषा की समृद्धि और भी ज़्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिक्किम के 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ की परंपरागत पोशाक बहुत ही रंगीन है और जेवर यहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा पहनती हैं, विशेष रूप से सोने के जेवर। यहाँ के परंपरागत खान पान नेपालीज और लद्दाखी क्विजीन से मिलते जुलते हैं। भले ही सिक्किम का सांस्कृतिक विरासत भारत के अन्य राज्यों से अलग है और इस हिसाब से मॉरिशस से भी अलग है, फिर भी कुछ समानताएं दोनों देशों में हैं। सिक्किम राज्य पर्वों और उत्सवों से भरा है और इनमें रामनवमी, दिवाली, इंद्र पूजा शामिल है। चूंकि सिक्किम विश्व का पहला संपूर्ण ऑर्गेनिक राज्य है, तो यहाँ प्रकृति से जुड़ी कई रीति रिवाज और पूजा अर्चना की जाती है। कंचनजंगा पर्वत की यहाँ पूजा होती है और कई दिनों तक ये उत्सव चलता है, जिसमें प्रकृति की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची। पहाड़ को यहाँ इसलिए पूजते हैं क्योंकि यही उन्हें सब कुछ देता है, यह उनका सर्वस्व है, उनका पूरा जीवन इसी पर आश्रित होता है। पूर्वी अफ्रीकी देश में भी वहाँ के काया जंगल की वहाँ के जनजाति और आम जनता पूजते हैं और उसे पवित्र मानते हैं। प्रकृति की सुरक्षा और पूजा करने से ही इन समुदायों की जिंदगी सफल होती है। कंचनजंगा चोटी पर सिक्किम का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पाया जाता है। यह भारत का पहला मिक्स्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है जहां वनस्पतियों और वाइल्ड लाइफ का भरमार है। इसे कंचनजंगा नेशनल पार्क कहते हैं। सिक्किम में पशुओं को पूजने का भी एक विशेष पर्व है। 5 दिनों के उत्सव में जानवरों को अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सिक्किम की विशेषता है और यहाँ की बड़ी इलायची और दुनिया की सबसे तीखी लाल मिर्च दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम बड़ी इलायची का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। यहाँ की चाय की पैदावार भी बहुत प्रसिद्ध है। एशिया का सेकंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज भी सिक्किम में ही है। अगर आप सिक्किम जाने का इरादा रखते हैं और वहाँ के पारंपरिक कपड़े, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स और जेवर खरीदना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए वहाँ का लाल बाजार, एमजी रोड, सिक्किम न्यू एंड ओल्ड मार्केट और गवर्नमेंट एम्पोरियम। सिक्किम में सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ही नहीं होती जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, बल्कि मॉरिशस में जहाँ पिछले साल से प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाया गया है, वहाँ सिक्किम में 1998 से ही प्लास्टिक बॉटल का प्रयोग बंद कर दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब बांबू के बोतल में पानी की बिक्री होती है। एक श्रोता लाइन पर है, उन्हें सुन लेते हैं। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं? मैं सुशीला बोल रही हूँ। सुशीला शीला, हाँ शीला, मेरा नाम दूसरा ऐसे घर का नाम है। अच्छा, क्या जवाब देंगी? हाँ, माइकल चोपड़ा। अच्छा, चलिए, आपने भी जवाब, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया, लेकिन हम अपने श्रोताओं का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वे हमें जवाब देंगे तो बेशक हम एक लॉटरी ड्रॉ करेंगे। जो सही जवाब के विजेता होंगे उन्हें हम अवश्य अपने प्रोग्राम का विजेता घोषित करेंगे। तो चले हम जहाँ वहाँ के थोड़े से खान पान के बारे में या वहाँ की अर्थव्यवस्था जिससे कि खान पान जुड़ा रहता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि किरण जी ने बताया और उन्होंने बताया कि वहाँ की इलायची, बड़ी इलायची, लाल मिर्च वहाँ की, हाँ, बहुत खुरसानी, हाँ हाँ हाँ, तीखी, वन ऑफ द तीखी, सबसे तीखी मिर्च वहाँ पर पाई जाती है। जबकि कहते हैं कि सर्दियों में मिर्च इतनी तीखी नहीं होती, जबकि वो ठंडा इलाका है, लेकिन इतना ही बड़ा काम करता है। अच्छा, इतनी छोटी सी, एकदम छोटी सी, छोटा पिंच भर का टुकड़ा होता है, लेकिन बहुत तीखी होती है, बहुत तीखा होता है, लाल रंग का, उसको कहते हैं वहाँ के लैंग्वेज में डल्ले खुरसानी। डल्ले खुरसानी, तो छोटी सी मिर्च उतनी तीखी, उतनी तीखी।
यहाँ के यहाँ पे सबसे ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तो फेमस है, जैसे कि मोमोज। अच्छा, मोमोज लोग बहुत चाव से खाते हैं, यहाँ से निकल के पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। और खाने के साथ जैसे गुंदरुक, गुंदरुक इज अ फर्मेंटेड राई साग जो होता है ना, उसको वन वे ऑफ फर्मेंट करके बनाया जाता है, उसको एज अ सूप जैसे दाल के तरह खाया जाता है, जैसे यहाँ पे बुयो। एक श्रोता और है, उन्हें लेते हैं। नहीं नहीं, इशारा हो रहा है, लाइन जो है कट गई है। हाँ, यहाँ बुयो बड़े चाव से खाया जाता है। वैसे पहली बार मैं सुन रही हूँ कि भारत के किसी राज्य में बुयो नहीं, बुयो नहीं। हाँ, बुयो जैसे ही होता है, गुंदरुक बनते हैं, लेकिन ये बहुत मसाले प्याज टमाटर के साथ एज अ सूप बनाया जाता है। और यहाँ पे छुरपी, छुरपी इज वन ऑफ द मेन, इट्स मेड अप ऑफ याक मिल्क या तो काउ मिल्क। काइंड ऑफ फेटा चीज भी लगता है आपको, उसका भी सब्जी बनाया जाता है, कई तरीके से उसको यूज करते हैं। और दूसरा भुर्जी के तरीके, भुर्जी भी बनाते हैं, एज अ पनीर की जैसे भुर्जी बनती है वैसे छुरपी की बनती है। अच्छा। और किनेमा, किनेमा भी फर्मेंटेड सोया है, किनेमा फर्मेंटेड सोया। बैम्बू शूट्स, बैम्बू शूट्स भी यहाँ पे बड़े चाव से खाए जाते हैं। और थुप्पा, थुप्पा और चिकन मटन पोर्क यहाँ के लोग बहुत, जिसको फाक्सा कहते हैं, सिंकी ढेड़ो यहाँ का स्टेपल वे ऑफ फूड है। और कोदो का रोटी जैसे मिलेट्स, रागी की रोटी। और लोसर के फेस्टिवल में खापसियो भी बनाते हैं लोग, खापसियो जो आपने ऐड किया था फेस्टिवल्स में, जो खाना पकवान बनते हैं बहुत सारे, खापसियो बनाते। सेल रोटी, तोंगबा, तोंगबा इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक। अच्छा, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यंजन है जो कि लोग खाते हैं। चलिए, ये तो हुआ वहाँ का खान पान थोड़ा सा, और थोड़ी सी अर्थव्यवस्था पर आप चर्चा कर रही हैं। हाँ जी, तो शशि जी, क्योंकि सिक्किम इतना खूबसूरत है, पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है विशेष तौर पर पर्यटन पे है, टिकी हुई है। इसके अलावा वहाँ खेती की जाती है, झूम खेती, शिफ्टिंग टाइप ऑफ खेती जिसको बोलते हैं ना, वो की जाती है। कुछ उद्योग भी हैं, बागवानी भी वहाँ होती है। और क्योंकि यहाँ इतना भरपूर प्राकृतिक सुंदरता, आकर्षक मौसम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, इसके कारण इसमें यहाँ पे पर्यटन तो खैर बहुत ही फल फूल रहा है, और वो समझिए वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल सोर्स जो है, जैसे कि कॉपर हो गया, ग्रेफाइट है, जिंक है, लेड है, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और लेदर टैनिंग भी करते हैं, चमड़ी को जो टैनिंग बोलते हैं ना, ब्लीच करके टैनिंग करते हैं, वो भी करते हैं यहाँ पे। तो और जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना, यहाँ पे मसालों की खेती बहुत होती है, और ग्वाटेमाला के बाद दुनिया में सिक्किम का दूसरा स्थान है मसाले की पैदावार में। हाँ जी, तो यहाँ पे जो मसाले हैं उसमें इलायची होती है, जिसकी चर्चा उन्होंने करी है, और खास तौर पे उगाई जाती है। और यहाँ पे एक बात जो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये देश हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पूर्ण रूप से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और इसीलिए इसकी इसका लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नॉट ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ क्राइम फ्री स्टेट, वन ऑफ द क्राइम फ्री स्टेट लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अनुसूची में इसका नाम शामिल है। चले, हम जबकि कोई श्रोता नहीं प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, तो हम सही जवाब के लिए सुनील दत्त जी जो हैं उनको ही घोषित करते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, भाई चंबुटिया जो कि सिक्किम के सुप्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है फुटबॉल में पाई है, जो कि सिक्किम के रहने वाले हैं। तो श्रोताओं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। सुनील दत्त जी से कहेंगे एक बार फिर हमारी जो है उनसे जुड़कर अपना नाम और पता जो है, और आपको बहुत बहुत बधाई है, आपने बिल्कुल सही लगता है कि सुनील जी फुटबॉल में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और हम तकरीबन अपने प्रोग्राम के अंत तक भी आ चुके हैं। तो चलिए, वहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में कुछ जाना जाए, जो कि सुंदरता के लिए बहुत पहचाना जाता है। वहाँ के मठ जो है, मैं समझती हूँ बहुत अधिक वहाँ पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट वालों के मठ हैं, और बताएं क्या क्या वहाँ पर देखने लायक है जिनको हम अपने श्रोताओं तक पहुँचा सकते हैं।
कंचनजंगा नेशनल पार्क, योंगशम हेरिटेज फार्म है, चार धाम, चार धाम यहाँ का इट्स अ रेप्लिका ऑफ रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिका, 12 ज्योतिर्लिंग भी यही एक ही जगह पे स्थापित है, ताकि लोग हर जगह पे डिफरेंट जगह पे ना जा सके, ये एक ही जगह वहाँ दर्शन हो जाते हैं 12 लिंगों के। सिक्किम के जो उन्होंने ये स्थापित किया है, लोग अगर हर जगह पे नहीं जा पाए तो एटलीस्ट चार धाम पे वो जा सके और दर्शन कर सके। दर्शन कर सके। सिद्धेश्वर धाम भी बोलते हैं। सिद्धेश्वर धाम, भगवान शिव का, सिद्धेश्वर धाम भगवान शिव का मंदिर है। यंगथम वैली, बुद्धा पार्क, रावंगला, नाथुला पास। नाथुला पास के यहाँ पे एक दिलचस्प सी छोटी सी कहानी भी है, यहाँ पे सब कोई इज नॉट अलाउड टू गो, ऑल्सो ओनली इंडियंस आर अलाउड टू गो यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ बॉर्डर ऑफ चाइना, इंडियो चाइना बॉर्डर। अच्छा, नाथुला पास का जैसे सुचिता जी ने चर्चा करी, तो नाथुला पास जो है वहाँ पे जो भारतीय हैं उनको जाने के लिए एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता है, और इस परमिट के बगैर तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते। और जो विदेशी लोग हैं वो तो बल्कि वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते, सिर्फ हिंदुओं को, इंडियंस अलाउड है। सुचिता जी ने योंगशम हेरिटेज फार्म की बात की थी, तो ये 1833 में 44 एकर्स पे ये फार्म बनाया गया था, 44 एकड़ पे जमीन पर ये फार्म बनाया गया था, पूरा पहाड़ी फार्म है। तो यदि आप वहाँ पे ट्रेकिंग करना चाहे या हाइकिंग करना चाहे तो इसके लिए ये बहुत बढ़िया जगह है। इसके अलावा वहाँ पे वहाँ का खाना जो बनता है, कैसे बनता है, वो सब ये सब क्लासेस दी जाती हैं। अच्छा। और वैलीज हैं सिक्किम में बहुत सारी, जो कि जहाँ पे मेडोज हैं, बहुत ही खूबसूरत, देखने लायक, ट्रेकिंग के लिए और व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऊंचाई पर है तो स्वाभाविक है। हाँ जी, यहाँ पे 200 से ज्यादा मोनेस्ट्रीज हैं, और मोनेस्ट्रीज में रुमतेक मोनेस्ट्री सबसे लार्जेस्ट और सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट वाली धुबड़ी मोनेस्ट्री। अच्छा। यहाँ के मोनेस्ट्रीज, और आप चर्च में जाएंगे तो इवेंजेलिकल प्रेस्बिटेरियन चर्च है, ये सबसे बड़ा चर्च है यहाँ का। तो सिक्किम में यू विल फाइंड चर्च, मोनेस्ट्रीज, मंदिर आपको बहुत मिलेंगे, झील यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इनफैक्ट हमने मेंशन करना हम भूल गए, टिस्टा नदी, रंगीत और पेलिंग तीन प्रमुख नदियाँ हैं। टिस्टा को हम यहाँ की गंगा भी कहते हैं। अच्छा। और टिस्टा में जिसको रिवर राफ्टिंग का शौक है वो रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 गर्म जल के कुंड हैं। अच्छा। जिनको हम हॉट स्प्रिंग्स भी कहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सुंदरता इतनी आकर्षण करती है। यहाँ पे याक राइड्स भी होती है, आप याक पे अगर राइड करना चाहते हो आप कर सकते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगी, चंगू झील जो कि उबड़ खाबड़ी इलाकों पे स्थित है यहाँ के, और सर्दियों में तो ये बर्फ की चादर से पूरी ढकी रहती है, पर गर्मियों के दौरान बिल्कुल एक जादुई आकर्षक है इस झील का, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग रंग के विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं जो इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ा देते हैं, और स्थानीय लोगों के लिए ये एक पवित्र झील है। तो विभिन्न मौसम में इसकी जो सतह, पानी की सतह जो है वो अलग अलग रंगों की नजर आती है, तो सोचिए कितनी ही खूबसूरत नजारा होगा। बिल्कुल। और बर्फ भी एनी टाइम आप जाओ देखने तो बर्फ देखने को, जो लोग बर्फ के शौकीन है वो गर्मी में भी जाएंगे तो उनको बर्फ दिखाई दे पड़ सकती है। तो श्रोताओ, आज हम सिक्किम के बारे में इतना कुछ जानकारी हासिल हमने की अपने प्रोग्राम के माध्यम से, क्यों ना हम अपने प्रोग्राम के लिए जब हम अंत में आ चुके हैं, हम धन्यवाद करने और चाहें अपने दोनों मेहमानों का जिन्होंने इतनी सारी जानकारी देके हमारे श्रोताओं को जो है सिक्किम के बारे में इतना कुछ बताया, हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं का जो खेल में भी भाग लेते हैं, और हमारे दो तकनीकी सहयोगी सुमिता और साथ में हमारे दारिन तकनीकी सहयोगी कोऑर्डिनेटर और किरण जानकी जी का, सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हुए सिक्किम का एक बहुत प्यारा सा गीत उसके साथ अपने श्रोताओं को छोड़े जा रहे हैं। अगले सप्ताह एक और राज्य के साथ जुड़ेंगे, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वाज ब्रॉट टू यू बाय LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।
certainement contribuerait à améliorer fortement l'Union européenne et ses politiques et son fonctionnement. Donc c'est utile, c'est illustratif. Je vais simplement dire pour conclure ce premier point que